जबलपुर की माड़ोताल थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 किलो 948 ग्राम गांजा बरामद किया है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी तुषार सिंह ने बताया कि क्राइम ब्रांच और माड़ोताल थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मनीष चौबे नाम का एक युवक कठोदा हनुमान मंदिर के पास काले रंग का बैग हाथ में लिए हुए खड़ा है, जिसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा है। मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए क्राइम ब्रांच और थाने की टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां मनीष चौबे नाम का युवक अवैध मादक पदार्थ के साथ खड़ा हुआ था, जिसे पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दबोच लिया। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 948 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। वहीं आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। माढ़ोताल क्षेत्र अंतर्गत मुखबिर सूचना पर क्राइम ब्रांच और थाना माढ़ोताल पुलिस द्वारा कठोंदा बाईपास के पास एक व्यक्ति गांजा बेचने की फिराक में घूम रहा है, ऐसी सूचना पर घेराबंदी करके एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसकी तलाशी पर से उसके पास से 1 किलो 948 ग्राम लगभग गांजा मिला है और नकदी 30,000 रुपये मिले हैं, जो कि पता चला है कि वो उसी के क्रय विक्रय से प्राप्त हुए हैं। उसके ऊपर पूर्व में भी आपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं, उसको न्यायिक हिरासत में मामला पंजीबद्ध कर भेज दिया गया है। इस पे अब अग्रिम जांच जारी है कि वो कहाँ से खरीद के लाता था और क्या करता था, उसमें अग्रिम विवेचना जारी है।